ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में ही चोरी की आशंका जताई जा रही है और जांच समिति ने नकली चाबियों के जरिए भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में चोरी की संभावना जताई है। सरकारी जांच समिति के सदस्य जगदीश मोहंती ने शक जाहिर किया है कि कीमती चीजें चोरी करने के लिए पहले नकली चाबियों का इस्तेमाल किया गया होगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ा हर काम वहां के पुजारी और मंदिर प्रशासन की समिति ही संभालती आई है। मंदिर के तहखाने में मौजूद भगवान के रत्न भंडार की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। 14 जुलाई को सरकारी आदेश पर इन रत्नों की जांच और देखरेख के लिए गठित समिति जब मंदिर के तहखाने में पहुंची तो ताला खोलने के लिए उन्हें डुप्लीकेट चाबियां दी गईं। लेकिन इन डुप्लीकेट चाबियों से ताला नहीं खुला तो तहखाने के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ दिया गया। ताला टूटने के बाद जब सरकार की तरफ से नियुक्त समिति ने इस बात का अंदेशा जताया कि वहां पूर्व में रत्न भंडार में चोरी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, जांच समिति में सदस्य रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जगदीश मोहंती ने दावा किया कि 2018 से तहखाने की असली चाबियां गायब हैं। नकली चाबियों से तहखाने का ताला नहीं खुला जिसकी वजह से मजबूरी में तालों को तोड़ना पड़ा। डुप्लीकेट चाबी के खराब होने से चोरी की आशंका है, इससे आपराधिक मकसद और कीमती सामान चुराने का इरादा दिखता है। 14 जुलाई को 46 साल बाद रत्न भंडार को खोला गया था और 18 जुलाई को खजाना निकालकर उसे शिफ्ट कर दिया गया था। राज्य सरकार की तरफ से गठित हाई कमेटी के 11 सदस्यों की देखरेख में ये पूरा काम हुआ था। अब उसी टीम के सदस्य जगदीश मोहंती ने इस बात का दावा भी किया है कि जब वो तहखाने के अंदर गए तो भीतरी कक्ष के अंदर कुछ बक्से खुले मिले। भीतरी कक्ष में 3 लकड़ी की अलमारियां थी जिसमें एक स्टील की अलमारी, 2 लकड़ी के बक्से और एक लोहे का बक्सा मिला। इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट ने 2018 में राज्य सरकार को रत्न भंडार खोलने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 4 अप्रैल 2018 को कोर्ट के आदेश पर जब 16 लोगों की टीम रत्न भंडार के चैम्बर तक पहुंची तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि यह दावा किया गया कि रत्न भंडार की चाबी खो गई है। चाबी नहीं मिली तो हंगामा हुआ जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 4 जून 2018 को न्यायिक जांच के आदेश दिए। जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को चाबी से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी लेकिन सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया और चाबी का कुछ पता नहीं चल सका। वहीं अब निगरानी समिति की तरफ से भी चोरी की आशंका जताए जाने पर एक बार फिर इस मुद्दे को हवा मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।